नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग टोटल 550 प्रश्न कर चुके हैं, आज करेंगे 551 नंबर सवाल से। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। याद रखिएगा कि एरन अभिलेख का संबंध जो है ये भानुगुप्त से है। किससे संबंधित है दोस्तों? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने 552 नंबर सवाल की कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था दोस्तों गुप्त। याद रखिएगा कि कौन सा राजवंश? तो गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हितोपदेश के लेखक है तो नारायण पंडित। याद रखिएगा दोस्तों कि हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित जो है ये हितोपदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने बोल रहा है कि नाट्यशास्त्र शास्त्र की रचना किसने की? तो ये भरत मुनि ने की थी। याद रखिएगा कि नाट्यशास्त्र शास्त्र की जो रचना है ये किसने की? तो ये भरत मुनि ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। अंकोर वाट का एक मंदिर है जो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अच्छा वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ल्हासा। ठीक है, ल्हासा जो है ये तिब्बत की राजधानी है। और आपको पता होगा इंडोनेशिया राजधानी क्या है? तो जाकार्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो ये थो शिकार। याद रखिएगा कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो क्रो मैग्रन मनुष्य। ठीक है, क्रो मैग्रन मनुष्य जो है ये आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राही लिपि। याद रखिएगा, ठीक है, ब्राही याद रखिएगा। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है तो ब्राही है। क्या है दोस्तों? ब्राही। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने 561 नंबर सवाल है कि संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये विद्वानों से संबंधित है। याद रखिएगा कि संगम जो है निम्न में से किससे संबंधित है? विद्वानों से। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है 562 की पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो करिकाल ने की। याद रखिएगा कि पुहर कावेरी पट्टनम की जो स्थापना है किसने की? करिकाल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट। यानी गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित ऐसा व्यक्ति कौन था? ये था आर्यभट्ट, जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ठीक है, कौन था? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था, और आर्यभट्ट जो थे ये भारत के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो कार्तिकेय देवता के। याद रखिएगा, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो कार्तिकेय देवता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। ठीक है, याद रखिएगा कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते? याद रखिएगा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल है
कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी की थी? तो गुप्त काल में, याद रखिएगा कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी, तो गुप्त काल में। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की, याद रखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल का। नेक्स्ट है अगला सवाल, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश, याद रखिए किस वंश के शासकों ने, तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 570 नंबर सवाल कि समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद देखिएगा कि गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है दोस्तों भानुगुप्त। ये भी सवाल रिपीट हो चुका है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो ये भी भानुगुप्त से है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल हम लोग देखने वाले 573 नंबर सवाल है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। याद रखिएगा कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल, जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट है अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि फाहान कहाँ के निवासी थे? तो ये चीन के थे। ठीक है, फाहान जो था ये कहाँ के निवासी थे? चीन के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। याद रखिएगा कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा कि गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेन्त सांग। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेन्त सांग आया था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ससांग। याद रखिएगा कि बंगाल का कौन सा शासक, तो ससांग शासक था जो हर्ष का समकालीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? यह था कन्नौज। याद रखिएगा कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी। याद रखिएगा कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त। याद रखिएगा कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। याद रखिएगा कि मौखरी जो था ये कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह था हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। याद रखिएगा कि हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। याद रखिएगा कि बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, पटना गंगा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, चला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यह है दोस्तों भास्कर। निम्नलिखित में से कौन जो है बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो यह है दोस्तों वीणा। याद रखिएगा कि कौन सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? वीणा जो है ये सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दतिया में। यानी कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। कब हुआ था दोस्तों? 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को हुआ था। ठीक है, अब्दुल साहब दाली और मराठों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध, तीनों युद्ध याद रखना है आपको। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को, द्वितीय युद्ध 1556 को और तृतीय युद्ध 1761 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 591 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए सवाल है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। याद रखिएगा कि विजय स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? वो था दोस्तों अरब। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था चालुक्य ने। याद रखिएगा कि चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। याद रखिएगा कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है? यह है दोस्तों द्वार समुद्र। याद रखिएगा कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल बोल रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। याद रखिएगा कि चोल राजाओं ने किस धर्म को? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। याद रखिएगा किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट है 599 नंबर सवाल कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। याद किसने करवाया था? यानी पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट है आज का लास्ट सवाल, 600 नंबर सवाल। सवाल है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, चतुर्भुज है। कैसा है दोस्तों? चतुर्भुज। यानी चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, तो हमने टोटल 50 सवाल कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।